एक बार एक बच्चा सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना भूल गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं मिला। हे यू व्हाट इज अप गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यार कि आप लोग कैसे माइनक्राफ्ट में मोड्स और मैप्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं यार कि मैंने ये वाला जो है मैप कह लो या मोड कह लो, मोड तो नहीं मैप कह लो, ये मैंने डाउनलोड किया है याच वाला यार। तो दिखने में काफ़ी शानदार दिख रहा है यार, ये याच या कह लो या सिप कह लो यार, काफ़ी शानदार आप लोग देख सकते हैं दिखने में लग रहा है यार। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ यार कि आप लोग कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में यार। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल एंड तक देखना यार, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना यार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को करना ये है यार कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा यार माइंड मैप्स के नाम से, तो वहाँ से जाके प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेना माइंड मैप यार। तो सब खेल इसी ऐप का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर आपको यार गेम्स, मिनी मैप्स, मिनी गेम्स, हाउस, सिटीज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हाउस के ऑप्शन में यार अगर आप नीचे जाओगे ना तो ये देख सकते हैं ये याच वाला जो है ये रहा जो कि मैंने डाउनलोड किया था और मैंने आप लोगों को दिखाया शुरू में। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं यार ये लिखा हुआ है कि ये प्ले करना है, सीधे डाउनलोडेड है। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए दूसरा दिखा देता हूँ, ये जो मॉडर्न हाउस है इस पर क्लिक करना है गाइस, जो सभी आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद यार यहाँ पर यार ये आप लोगों को देख सकते हो ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है, छोटी सी फाइल है, 4-5 MB की फाइल है। तो ये आप लोगों का डाउनलोड हो गया यार। जब डाउनलोड है तब तक लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। तो ये कुछ डाउनलोड होने के बाद यार ऐड वगैरह आएगा तो सिंपली ऐड को कट कर देना है यार। तो ये मैंने ऐड को कट कर दे रहा हूँ। तो सिंपली आपको उसके बाद प्ले के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद माइनक्राफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे यार आपका माइनक्राफ्ट खुल जाएगा। तो यार ये मेरा स्क्रीन रोटेट हो गया था इसलिए छोटा हो गया, तो मैं इसको क्रॉप करके एडिट करके कर रहा हूँ। तो जैसे आप लोगों का यार माइनक्राफ्ट ऑप्शन आएगा, माइनक्राफ्ट खुलने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ऊपर यार सक्सेसफुली आपका इंपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुका है यार। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपका गेम चालू हो जाएगा यार। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था यार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।